तो अभी दोस्तों निकल चुके हैं गांव से, अभी बस के ऊपर बैठा हूं मैं क्योंकि अंदर जगह नहीं है। देख लीजिए तो दोस्तों ये है मेरा गांव, आप देख लीजिए। अभी हम फलोदी पहुंच चुके हैं और बीकानेर पहुंचेंगे 4:30 बजे और हमें कुछ दोस्त मिले हैं। एक ये भाई साहब है, ये भाई साहब है, ये हमारे साथ बीकानेर तक जाएंगे, उधर से जाएंगे सूरतगढ़। तो अभी दोस्तों बीकानेर आ चुके हैं और हमारी ट्रेन है अभी चतनगढ़ की, तो हम जा रहे हैं अपने दोस्त के यहाँ पे। तो अभी दोस्तों हम रतनगढ़ आ चुके हैं, जो यहाँ पे हमारा दोस्त एक वेट कर रहा है, तो उसके घर पे जाएंगे। तो चलते हैं अभी गेट की तरफ। ये हमारी ट्रेन थी, ऐसी है, कुछ लोकल सी थी, मतलब जगह जगह रुक रही थी, तो ठीक है। इसमें यार एक सुविधा नहीं थी, चार्जिंग की नहीं थी। तो अभी दोस्तों हम जा रहे हैं क्रिकेट का लाइव करने के लिए। ये हमारे साथ में राका भाई, और आज है जनवरी का पहला दिन, यानी 2023 का पहला दिन। अभी हमें तो आपको बताते हैं कि हम कैसे आए कैसे नहीं आए, वहाँ पे जाके मिलते हैं। और अभी राघा भाई के पास में थे, अभी चल रहे हैं गांव में से होते हुए। तो ये अभी थोड़ी थोड़ी सर्दी है। तो दोस्तों अभी आ चुके हैं हम ग्राउंड में, आपको बताते हैं पीछे हमारी ग्राउंड है, कुछ भाई लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, और मैं और मेरा जो दोस्त है राका भाई वो आ चुके हैं। अभी आपको कुछ मैच की झलकियाँ बताएंगे, फिर चलेंगे हम सालासर बालाजी के यहाँ पे। और अभी ये दो फाइनल ही है आज इनका मैच, राका भाई लाइव करते हैं, मैंने आपको बताया था। जैसे ये देख लीजिए यहाँ पर प्रैक्टिस चल रही है। ये गाँव है राजियासर, तहसील सुजानगढ़, चूरू। तो अभी हम चूरू ज़िले में हैं, तो देखते हैं अब, देखिए मैच फिर मिलते हैं। अभी राष्ट्रगान होते ही फाइनल मैच शुरू होगा। सही सोच, गेंद को आगे रखा और सीधे बल्ले से खेलते हुए सामने फील्डर हैं एसआर के, शाहरुख बहुत अच्छे फील्डर हैं अपनी टीम के। सिंगल मिलता हुआ, सिंगल के सहारे स्कोर जा पहुंचा है 29 रन। पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है, 10-10 ओवरों का ये मुकाबला। अब पूरी जिम्मेदारी है रमजान के पास कि भाई वो ओपनर आए थे अपने हाथ खोले, क्योंकि स्कोर 100+ लेके जाना पड़ेगा पड़िहारा को, नहीं तो फिर भैया देर हो जाएगी, क्योंकि इस ग्राउंड में रन बनते नहीं है बल्कि बरसते हैं, जिस तरह से बारिश बरसती है राजस्थान में वैसे, और आजकल तो राजस्थान में बारिश बहुत ज़्यादा होने लग गई है। सिंगल से अपना स्ट्राइक चेंज कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, ये सही सोच भी है। ये विजेता की ट्रॉफी है, ये उप विजेता की फाइनल। और पहले वाला मैच था जो उसी गांव की टीम जो पहले फाइनल में पहुंच चुकी थी, उसी गांव की सीनियर टीम ने जीत लिया है। और अभी फाइनल होने वाला है, एक मंगलूना करके गांव है, उसकी सीनियर और जूनियर टीम के बीच में है। अब देखते हैं कौन जीता है, ये फाइनल मैच है, इसके बाद में ये ट्रॉफी, मतलब ये जो मेमोरियल कप है शहीद राजेंद्र सिंह के नाम से है कहीं, तो ये ख़त्म हो जाएगा और फिर चले जाएंगे घर पे। देखते हैं, ये मैच बहुत रोमांचक होने वाला है, देखते हैं कौन जीतता है कौन नहीं जीतता। इधर है मंगलूना की जूनियर टीम और सीनियर टीम तो हार गई है, और फील्डिंग
कर रही है और चलो देखते हैं, आप बने रहे हमारे साथ में। भाई लोगों अब मैच समाप्त हो गया है और एक गांव की दो टीमें थी, जो सीनियर टीम थी उन्होंने मैच जीत लिया है और जो जूनियर टीम है जो सेकंड पर रही तो फर्स्ट विनर के लिए 21,000 है, सेकंड के लिए 11,000, वो दोनों एक ही गांव के लिए गया है। आप ये सुरेंद्र मारवाड़ी की तरफ से प्रदान किए जा रहे हैं बेस्ट बल्लेबाज मैन ऑफ द सीरीज। बहुत अच्छा खेल खेला आपने, पहले दिन से ही शानदार मजबूत टीम दिख रही थी, हालांकि बस और फोटो लेते रहे। आती हुई ट्रॉफी प्रदान की जा रही है मंगला की विजेता टीम को। तो दोस्तों अभी हम सालासर पहुंच चुके हैं और सबसे पहले हम सालासर बालाजी की जय बोलते हुए अंदर जा ही रहे थे कि एक भाई साहब ने हमको बुलाया कि आज भाई साहब थोड़ा नाश्ता पानी कर लीजिए। तो हम अभी कर रहे हैं पकौड़े और जलेबी, इधर सालासर के नाम पर भंडारे लगते हैं तो हमें भी थोड़ी भूख लगी हुई थी, सोचा पहले बालाजी का प्रसाद लेते हैं फिर आगे चलते हैं दर्शन करने के लिए। चलिए मिलते हैं फिर आपसे। अभी दोस्तों हम आ चुके हैं सालासर मंदिर के पास में और ये देर बहुत ज़्यादा है, न्यू ईयर है आज, जनवरी का पहला दिन है, 2023 का पहला दिन और हम चलते हुए मंदिर की तरफ। सालासर बालाजी है जो एकमात्र दाढ़ी मूछों वाले बालाजी की मूर्ति है यहाँ पर, तो इसलिए प्रसिद्ध है। ऐसा है सालासर का मार्केट। हमारे साथ में राघा भाई, अरे राघा भाई और बढ़िया है भाई, और बढ़िया है, बढ़िया है यार। भीड़ भाड़ वाली जगह में मुझे पसंद नहीं है घूमना, लेकिन ठीक है फिर भी आते हैं। नहीं हम घूमने नहीं आए, वैसे हम वैसे दर्शन करने के लिए आए हैं और हमारे पास में था तो खास मेरे लिए भाई आए कि चलो दर्शन ही करके आते हैं आपको करवा के लाते हैं। भीड़ बहुत है भाई, बहुत ज्यादा, बहुत भीड़ है। पिछली बार आए थे हम, मैं और बिट्टू आया था तो यहाँ पे रुके थे मंदिर में दर्शन वर्शन करके फिर गए थे। सैलानी बहुत ही आए हुए हैं, श्रद्धालु सैलानी कुछ भी कह लीजिए आप। तो वो देख लीजिए सालासर बालाजी मंदिर, इसके अंदर अलाउड नहीं है फोटोग्राफी तो हम यहीं से कर लेते हैं और फिर दर्शन वर्शन करते हैं। आज का दिन अच्छा रहा वैसे, दिन में फाइनल था ये बालाजी मंदिर सालासर का। भीड़ देख लीजिए बहुत ज़्यादा भीड़ है और अभी हम दर्शन करने के लिए जाएंगे तो हाथों हो सकता है दर्शन हो जाएंगे हमारे को। तो अभी भाई भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो हम बाहर से आ गए क्योंकि अंदर नहीं जा सके, बहुत भीड़ थी। चाहे अंदर से करो या बाहर से करो हमारे को दर्शन करने, बालाजी को मतलब जो भी बोलना था वो बोल दिया। और मैं और राघा भाई थोड़े हाइट में ज्यादा है फ्रेम से बाहर जा रहे हैं इसलिए मेरे को कैमरा नीचे करना पड़ रहा है। ठीक है आप करो। तो अभी दर्शन कर लिया है तो अभी इस वीडियो को यहीं पर रखेंगे, हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। मेरी एक कोशिश है कि इस साल 365 दिन में 365 वीडियो आपके लिए लाऊं तो देखते हैं मैं कोशिश जारी कर पाता हूं या नहीं पाता हूं। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा सा कमेंट कर दीजिए और मिलते हैं आपको कल किसी वक्त एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बालाजी की।